द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, द क्वेश्चन नंबर 10 ए सेकंड पार्ट, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टैन इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू पाई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो ये साइन इनवर्स 12/13 है इसको टैन में कन्वर्ट करो। अब आपकी मर्जी है, टैन को साइन में कन्वर्ट करो, कोस को साइन में कन्वर्ट करो, फिर आप साइन इनवर्स एक्स पर साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओ। मैंने क्या किया है कि मैंने साइन को टैन में कन्वर्ट किया और कोस को टैन में कन्वर्ट किया। साइन को टैन में कन्वर्ट कैसे किया? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस कैलकुलेट किया, मेरे पास आ गया 5। तो टैन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसको मैं लिख लूँगा 12/5। तो साइन इनवर्स 12/13 को मैंने कन्वर्ट कर दिया और लिख दिया टैन इनवर्स 12/5। सेम ऐसे ही कोस इनवर्स क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस क्या है 4, हाइपोटेन्यूस क्या है 5, मैंने परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा 3। तो मैंने इसको टैन में कन्वर्ट करना है, तो टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मैं इसको कन्वर्ट करके लिख दूंगा टैन इनवर्स 3/4। तो इन दोनों को मैंने सॉल्व करना है। तो वैसे तो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - xy। तो इसमें एक कंडीशन लगती है, कहते हैं अगर एक्स वाई की वैल्यू जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो एक्स वाई को, अगर ये लेस देन 1 आता है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है तो हम सिर्फ ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एक्स वाई की वैल्यू जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो आप यहाँ पे पाई प्लस कर दोगे। इस फॉर्मूले के साथ पाई प्लस हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करता हूँ 12/5 × 3/4, तो मुझे पता चलता है कि ये एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे मैं इसके साथ क्या कर दूंगा? पाई प्लस कर दूंगा और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का। तो आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - x / y। तो प्लस टैन इनवर्स 63/16 हो जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा टैन इनवर्स -63/16 प्लस टैन इनवर्स 63/16। पाई तो मैंने प्लस किया ही हुआ है। तो टैन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस टैन इनवर्स एक्स होता है। तो टैन इनवर्स माइनस एक्स को लिखूंगा माइनस टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस प्लस है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th बी का फर्स्ट पार्ट, टैन इनवर्स 1 प्लस टैन इनवर्स 2 प्लस टैन इनवर्स 3 इक्वल्स टू पाई हमने प्रूव करना है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, टैन इनवर्स 1 प्लस टैन इनवर्स 2 प्लस टैन इनवर्स 3। ठीक है, तो हमारे पास एक कंडीशन होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, टैन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाय 2 के इक्वल होता है। तो टैन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो उसी तरह से टैन इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स 2 क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। तो टैन इनवर्स 2 क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स 2। तो मैं टैन इनवर्स 2 को क्या लिख सकता हूँ? पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स 2। सेम ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स 3। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इनको मैंने अलग लिख लिया, माइनस कोट इनवर्स 2 माइनस कोट इनवर्स 3 मैंने अलग से लिख लिया। इन तीनों का मैंने एलसीएम किया तो मेरे पास आ गया 5π/4 माइनस कोट का रेसिप्रोकल होता है टैन और कोट का रेसिप्रोकल होता है टैन। तो कोट इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? टैन इनवर्स 1/x। तो मैं कोट इनवर्स 2 को क्या लिख सकता हूँ? टैन इनवर्स 1/2 माइनस टैन इनवर्स 1/3। तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लेना और ब्रैकेट इनसाइड क्या आ जाएगा? टैन इनवर्स 1/2 प्लस टैन इनवर्स 1/3। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लेना है। तो क्या आ जाएगा? टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - x / y। इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1। टैन इनवर्स की वैल्यू 1 कब होती है? पाई बाय 4 पे होती है। इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास पाई आ गया, दैट इज राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है 10th का बी का सेकंड पार्ट, टैन इनवर्स 1/2 प्लस टैन इनवर्स 2/11। इसमें आपने फॉर्मूला लेना है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - x / y। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टैन इनवर्स 15/20। इसकी कटिंग करके हमारे पास क्या आ जाएगा? टैन इनवर्स 3/4, जो क्या होता है? राइट हैंड साइड होता है। नेक्स्ट है 12th का थर्ड पार्ट, कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65 मैंने प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इस कोस को मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा। तो कोस को साइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? कोस क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। पाइथागोरस थ्योरम ने कहा कि मैंने परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लिया जो कि मेरे पास 5 आया। तो कोस को मैंने साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। इसको मैं लिख दूंगा 5/13। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, साइन इनवर्स एक्स
रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैंने सोल्व करना है 5/13, 1 - 9/25 प्लस 3/5, 1 - 25/169। तो 5/13, 16/25, 3/5, 144/69 आ, इसको सोल्व करेंगे तो 144/169 आ जाएगा। साइन इनवर्स 5/13 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 12/13। तो इसको मल्टीप्लाई किया 20 बाय, इसको किया 65, इसको किया 36, इसको मल्टीप्लाई किया 65, इसको एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 56/65, जो कि क्या होता है राइट हैंड साइड होता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 12th क्वेश्चन का, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स, ये बुक में आपके पास लिखा हुआ है 77/36, वो वहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट गलत है, आपने 36 की जगह 85 लिख लेना है। तो उसके बाद सेम आपने क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लेना है, जो क्या होता है साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला पुट करना है साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स आपके पास ये है, वाई आपके पास 3/5 है, वाई आपके पास 3/5, एक्स आपके पास है 8/17। इस टर्म को आपने सोल्व करना है और आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 77/85, दैट इज क्या होता है राइट हैंड साइड हो जाएगा आपके पास। 12th का फिफ्थ पार्ट है आपके पास साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू कोस इनवर्स 36/85। अब आपने कोस में आंसर निकालना है तो आपने क्या करना है कि पहले साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो, इस साइन को भी कोस में कन्वर्ट कर लो। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने बेस कैलकुलेट कर लिया, वो 4 आ गया। सेम ऐसे ही इसको मैंने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने बेस कैलकुलेट कर लिया, जो कि आ गया 15। तो मैंने इसको क्या किया, बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है तो 4/5 आ गया, यहाँ पे आ गया 15/17। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई कर लिया, तो कोस इनवर्स क्या होता है एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो गया 16/25 रूट वन माइनस 225/289 आ गया। तो इसको सोल्व करके हमारे पास आ गया कोस इनवर्स 36/85 इक्वल टू राइट हैंड साइड। 12th का जो 7th पार्ट है वो भी आपने खुद करना है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो हमने साइन में आंसर निकालना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, कोस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए बेस बाय हाइपोटेन्यूस है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के मेरे पास 5 आ जाएगा। तो इसको मैंने साइन इनवर्स 5/13 लिख लिया, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स का वाई का फॉर्मूला लगाना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 56/65। सेम ऐसे ही आपके पास साइन इनवर्स 3/5 है माइनस साइन इनवर्स 8/17, इसको कोस में आंसर निकालना है, तो पहले साइन को अपने कोस में कन्वर्ट करना है और इसको भी कोस में कन्वर्ट करना है पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस बाय हाइपोटेन्यूज करके। तो अपने फॉर्मूला लगाना है कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। जब आप एक्स की वैल्यू 4/5 वाई की वैल्यू 15/17 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास जो है राइट हैंड साइड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan inverse 1/5 प्लस सेकेंड इनवर्स 5√2/7 प्लस 2 tan inverse 1/8। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये दो टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, ये दोनों को आपने एक साथ लेना है और 2 कॉमन लेना है। 2 कॉमन लेके आपने क्या करना है, tan inverse 1/5 प्लस tan inverse 1/8 अंदर आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स 5√2/7 बाहर रहेगा। तो 2 आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लेना है, तो 2 बाहर रहेगा, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई सेकेंड इनवर्स 5√2/7 आ जाएगा। इसको आपने सोल्व करना है, सोल्व करने के पास आपके पास आ जाएगा 2 tan inverse 13/39, 13 और 39 की कटिंग करनी है 1/3 आ जाएगा और सेकेंड इनवर्स 5√2/7। 2 tan inverse x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x 1 - x² 2 multiply x 1 - x का स्क्वेयर हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स 5√2/7। तो tan इनवर्स 2/3 1 - 1/9 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करना है तो आपके पास आ जाएगा 3/4, तो ये आपके पास वैसे का वैसे रहेगा। इसको मुझे tan में कन्वर्ट करना है, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो कोस क्या होता है, पर बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो सीकेंड क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस। तो आप क्या कर लोगे, परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो परपेंडिकुलर आपके पास 1 आ जाएगा। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो सेकेंड को मैंने tan में कन्वर्ट किया, 1/7 आ जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लेना है, tan इनवर्स x प्लस y 1 - x * y, तो ये आ जाएगा 25/25, इसको कटिंग करके 1 आ जाएगा। 1 कब होता है, π/4 पे होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 14, प्रूव दैट कोट इनवर्स ए बी प्लस 1/a - b प्लस कोट इनवर्स बी सी प्लस 1/b - c प्लस कोट इनवर्स सी ए प्लस 1/c - a इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है,
तो इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन, कोट इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन बाय टेन इनवर्स एक्स। तो कोट का रेसिप्रोकल मैंने टेन ले लिया, ए माइनस बी न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ए बी प्लस वन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों टर्म्स भी आपने वैसे ही लिख लेनी है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। तो ये आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। ये भी आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी। ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए। सब कटिंग हो जाएगी तो आपके पास आ जाएगा जीरो। ये आपके पास आ जाएगा राइट हैंड साइड। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स टेन वन बाय टू साइन इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर बाय वन प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड, एक्स को आपने टेन थीटा लेना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। तो टेन थीटा लेना है आपने एक्स और वाई लेना है टेन फाइव। तो वन बाय टू को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वन बाय टू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो वन बाय टू को साइन इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को मैंने टेन थीटा पुट कर दिया, वन बाय टू को मैंने कोस इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और वाई को टेन फाइव पुट कर दिया। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन टू थीटा का। और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कोस टू फाइव का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्केयर थीटा। कोस टू फाइव का फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्केयर थीटा अपॉन टेन स्केयर फाइव अपॉन वन प्लस टेन स्केयर फाइव। साइन और साइन कैंसिल, कोस और कोस कैंसिल, वन बाय टू मल्टीप्लाई टू थीटा, वन बाय टू मल्टीप्लाई टू फाइव, टू के साथ टू कैंसल और टू के साथ टू कैंसल, टेन इनवर्स टेन आ जाएगा थीटा प्लस फाइव। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए मल्टीप्लाई टेन बी। तो टेन थीटा को मैंने एक्स पुट किया था, टेन वाई फाइव को वाई पुट किया था, एक्स टेन थीटा को एक्स, टेन फाइव को वाई पुट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्सटींथ क्वेश्चन, इफ कोस साइन इनवर्स टू बाई थ्री प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन स्टेटमेंट है साइन इनवर्स टू बाई थ्री प्लस कोस इनवर्स एक्स। ये जो कोस है राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स हो जाएगा। कोस की वैल्यू जीरो कब होती है आपके पास, ये हमारे पास होती है 90 डिग्री पे। तो इसको हम लिखेंगे पाई बाय टू। तो कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स टू बाई थ्री। ठीक है, तो कोस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय टू। तो कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेम ऐसे साइन इनवर्स टू बाई थ्री प्लस कोस इनवर्स टू बाई थ्री क्या हो जाएगा, पाई बाय टू। तो कोस इनवर्स टू बाई थ्री क्या हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स टू बाई थ्री। तो पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स टू बाई थ्री क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स टू बाई थ्री। कोस और कोस कैंसिल, एक्स आ जाएगा टू बाई थ्री। सेवनटींथ का फर्स्ट पार्ट है टेन इनवर्स टू एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स इंटू वाई। तो पाई बाय फोर क्या होता है, 45 डिग्री टेन इनवर्स वन पे, टेन और टेन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो सेम ऐसे ही करना है आपने। तो पहले क्या करना है, टेन इनवर्स टू एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लेना है। तो पाई बाय फोर क्या होता है, टेन इनवर्स वन होता है, टेन इनवर्स वन की वैल्यू पाई बाय फोर होती है। तो टेन और टेन मैंने कैंसिल कर दिया। तो सोल्व करके ये आपके पास आ गया फाइव एक्स अपॉन वन माइनस सिक्स एक्स स्क्र इक्वल टू वन। तो इसको सोल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने कैसे करना है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस फोर ए सी बाय टू ए, जो क्वाड्रेटिक सोल्व करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है, बी आपके पास फाइव है, ए आपके पास सिक्स है, सी है आपके पास माइनस वन। ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास एक पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव वैल्यू आपने रिजेक्ट करनी है और पॉजिटिव वैल्यू आपके पास वन बाय सिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस सेवन। तो यहाँ पे भी आपने फॉर्मूला लेना है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये टेन जो है इस टेन के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस, जो भी आपके पास यहाँ पे सोल्व करके आएगा इक्वल टू माइनस सेवन कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी। सेम ऐसे करना है जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में किया। फिर आपके पास थर्ड पार्ट है टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू इक्वल टू पाई बाय फोर। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है आपने। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू टेन बाय पाई बाय फोर। ये जो टेन है राइट हैंड साइड चला जाएगा, टेन 45 हो जाएगा, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। तो सोल्व करके आपके पास एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म ये आ जाएगी, जो टेन लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड जाके टेन पाई बाय फोर हो गया, टेन पाई बाय फोर की वैल्यू 1 आ गई। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इसमें आपने सोल्व करना है तो आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 बाय 2 आ जाएगी, एक्स क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाय रूट 2।
नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। पहले आपने इसको सोल्व करना है। 2 साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, जब हम इनका सम करेंगे तो यही आएगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स भी एक्स है और वाई भी एक्स है। तो इसको जब आपने सोल्व किया तो आपके पास आ गया साइन इनवर्स 2 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो 2 साइन इनवर्स एक्स की आपके पास वैल्यू आई है इसको आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस इसको जो है ये आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये आपके पास एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का आपने फॉर्मूला लेना है, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा 2 रूट एक्स रूट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपने प्रॉपर्टी चेक करनी है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, आपने फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, फॉर्मूला लगा के आपके पास ये टर्म आ जाएगी, दोनों साइड आपने स्केयरिंग करनी है, स्केयरिंग करने के बाद आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आपके पास 4x² माइनस 4x प्लस 1 बनेगा, इसको आपने फॉर्मूला बनाना है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो करना कैसे है, पहले फॉर्मूला लगाओ इसको, तो साइन इनवर्स जो है राइट हैंड साइड जाके साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और फिर आपके पास ये टर्म और ये टर्म आ जाएगी। तो मैंने जो नेगेटिव वाली तो इसको पॉजिटिव में ले गया, फिर स्केयरिंग करके क्वाड्रेटिक बनाई, क्वाड्रेटिक बना के मैंने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की।